हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड को। इसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा था मिता प्रेम को दिखाती है कि वो निप को डेट कर रही है। इससे प्रेम को काफी बुरा लगता है और वो गुस्से में चला जाता है। इधर मिता के फादर काफी गुस्सा हो देते हैं, बताओ तुम दोनों ये सब चल क्या रहा है और ऑफिस बात कर रहे। प्रेम यहाँ के चिल्ला रहा था आखिर वो यहाँ क्यों आया था। मिता तो घबराई होती है कि आखिर वो डैड को क्या बताए। यहाँ निप सारा मामला संभाल लेता है। वो मिता के डैड को कहता है मिस्टर सुन ने न्यू प्रोजेक्ट हमें दे दिया जो कि श्रीमंता को मिलने वाला था। शायद यही वजह थी कि प्रेम खुश नहीं था और वो आके हंगामा कर रहा था। यहाँ मिता के डैड उससे कहते हैं ठीक है तो मामला यहीं खत्म करो। मैं नहीं चाहता कि वो प्रेम दोबारा यहाँ आए और वो मिता को स्पेशली कहते हैं कि उससे दूर रहना। मिता यहाँ निप को थैंक्स कर दिया। यहाँ निप कहता है मेरी फीलिंग सच में तुम्हारे लिए क्लियर है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मिता कहती है मैं सिर्फ तुम्हें अपना फ्रेंड मान सकती हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इधर टीना अपने शॉप पे काम कर रही होती है तभी यहाँ पर थिपा जाता है। कहता है तो मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। टीना कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो और उसे कॉफी देती है। साथ ही कहती है कॉफी बहुत ही एक्सपेंसिव है, शॉप बंद हो चुकी थी और स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए बनाया। थिप कहता है तुम कितने कंजूस हो, तुम ऐसा फ्रेंड मुझे ट्रीट नहीं कर सकती। टीना कहती है तो बताओ तुम यहाँ इस वक्त क्यों आए हो। कहता है मैं बस थोड़ा रिलैक्स करना चाहता था। टीना कहती है तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया, हमारी तो अच्छी खासी लाइफ चल रही, काम भी अच्छा चल रहा है, हमारी गर्लफ्रेंड भी है कि पूरे प्रेस में अनाउंस कर रही है तुमसे कितना प्यार कर रही है, मुझे तो लगा तुम शादी कर रहे हो। टिप कहता है ये सब बाहर से देखने में लगता है, तुम्हें पता है मेरी मम कितना गुस्सा है। तब टीना कहती है कहीं सास बहू का झगड़ा वाला सिचुएशन तो नहीं है ना, बीच में तुम फंस गए हो। टिप हंसता है और कहता है यही बात है। टीना से बातें करके थिप को यहाँ काफी अच्छा लगता है। सीन चेंज होता है, प्रेम बहुत ही परेशान होता है। वो फ्रेंड को कहता बताओ मैं क्या करूं, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो भी उस इंसान के साथ है जिसने हमेशा मुझे मेरे काम में धोखा दिया है, चीटिंग करके मुझसे प्रोजेक्ट को हासिल करने की कोशिश की है। वो मिता के बारे में कहता है जब भी मैं उसकी तरफ देखता हूँ तो उसके करीब जाने से खुद को नहीं रोक पाता, मैं उससे बहुत ही प्यार करता हूँ, चाहकर भी उसे नहीं भूल पाता, पर वो जिस तरह मुझे देखती है लगता है कि मेरे लिए उसके दिल में गुस्सा भरा हुआ है। वो क्या चाहती है मैं कुछ नहीं जानता। उसने रोते हुए मुझे कहा कि हमारे बीच जो भी है सब कुछ खत्म कर दे, मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकता और उससे दूर भी नहीं रह सकता। तो प्रिंट कहता है तो मैं उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए। इधर लेले थक को कहती है मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गई थी, मुझे माफ कर दो। और यहाँ इन दोनों का दोबारा पैचअप हो जाता है। इधर मिता और प्रिंट एक साथ होते हैं, ये सब कुछ बातें कर रहे होते हैं तभी निक रेन और काव्य आ जाते हैं। मिता नैनी को कहती है कि वो बच्चों को घर लेकर जाए। मिता प्रिंट को अपना कार्ड दे दिए और अपना पूरा इंट्रोडक्शन। यहाँ तो प्रिंट को शौक ही लगता है कि ये मिता को यार नहीं बल्कि प्रामिता जिससे कि उसका फ्रेंड प्रेम प्यार करता है। मिता कहती है क्या हुआ तुम्हें, पर प्रिंट कुछ भी नहीं बताता। यहाँ तक ये भी नहीं कि वो प्रेम का फ्रेंड है, उसे प्रेम का कॉल आता है और कॉल कट कर देता है। दरअसल प्रेम यहाँ काव्या से मिलने के लिए आ रहा होता है। प्रेम जब यहाँ प्रेम को देखता है तो जानबूझकर सबको दूसरी तरफ ले आता है और मिता को बाय करके यहाँ से चला जाता है। इधर मस्कन लिली से मिलती है, क्लियरली कहती है थिप से दूर हो जाए। यहाँ लिली कहती है कि वो और थिप एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो अब मिसेस खन कहती है मैं जानती हूँ तुम सिर्फ मेरे बेटे के साथ उसके पैसों की वजह से, मेरे सामने ये दिखावा करने की कोई कोशिश मत करना, मैं जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगी, मेरे बेटे की लाइफ से तफा हो जाओ। पर अपने इतने इंसल्ट तो लिली से बर्दाश्त नहीं होती, यहाँ वो थिप को कुछ भी नहीं बताती। इधर मिता आंट के साथ होती है, आंटी उन्हें कहती है तुम्हें नहीं लगता प्रेम तुम में इंटरेस्टेड है और वो एक अच्छा इंसान है, मैं उसके बारे में सोच सकती हूँ। मिता कहती है ये क्या बातें आप कर रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिता कहती है अब उसका कोई फ्यूचर नहीं है। प्रेम प्रेम को कॉल करके बुलाता है, यहाँ वो कार्ड देता है। प्रेम कहता है तो तुम मिता से मिल चुके हो। प्रेम कहता है तो प्रामिता वो लड़की है जिससे तुम प्यार करते हो, वो वैसे बिल्कुल नहीं है जैसा कि तुम जिक्र करते हो, तुम्हें धोखा क्यों देगी, उससे मिल चुका हूँ, वो बहुत ही अच्छी है। प्रेम कहता है तुम उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो। तो यहाँ प्रेम बताता है मैं जिस लड़की को पसंद करता वो कोई और नहीं बल्कि मिता ही है। यहाँ तो प्रेम को भी शक लगता है। प्रेम कहता तुम उससे प्यार कैसे कर सकते हो जानते हुए कि उसने मुझे चीट किया है, मैं उसे पसंद करता हूँ। यहाँ इन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है मिता को लेकर। नेक्स्ट डे देखते हैं मिता प्रेम के साथ काव्या के लिए शॉपिंग करने आई होती है। यहाँ मिता और काव्या को एक साथ इतना खुश देख कर तो उनको बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। उसके दिल में मिता के लिए फीलिंग्स और भी ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। इधर प्रेम काफी परेशान होता है, प्रेम की कही बातों को याद करके तो सौर भी गुस्सा आता है।
इधर ये सब खाना खा रहे हो उधर, तभी प्रिन को प्रेम का कॉल आता है। प्रेम कहता तो क्या तुम मिता के साथ हो? प्रिन कहता देखो इस बारे में बात नहीं करनी वरना फिर झगड़ा होगा। अब प्रेम भी गुस्से में कहता तुम उसके साथ कुछ भी करो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, कॉल कट कर देता है। इधर लिली थिप से मिलने के लिए आई होती है, उसे बताया जाता है थिप ने उसे थोड़ा इंतजार करने को कहा है। इधर प्रेम थिप को मीटिंग में लेकर आता है, काम पे बातें चल रही होती है। इधर लिली तो थिप का इंतजार करते करते थक जाती है और वो गुस्से में मीटिंग में चली आती है। थिप पे चिल्लाने लगती कि क्या मीटिंग उससे ज्यादा जरूरी है। थिप उसे शांत करवाने की कोशिश करता है, जब लिली उसकी कोई बात नहीं सुनती प्रेम कहता है काम चल रहा है वहां से बाहर निकलो, जो भी पर्सनल मैटर है बाहर ही सॉल्व करना। इन दोनों के बीच आर्गुमेंट बढ़ जाता है। लिली थिप को कहती है कि अभी मेरे साथ चलो। प्रेम भी थिप को कहता है अगर तुम अभी यहाँ से गए मैं तुमसे ये प्रोजेक्ट छीन लूंगा, ये तुम्हें तय करना है हमारे लिए तुम्हारा काम जरूरी है या तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड। और यहाँ थिप प्रेम की बात मानता है और लिली के साथ नहीं जाता है, इससे तो लिली को काफी गुस्सा आता। इधर काव्या प्रेम को बता दिया कल स्कूल इवेंट में वो प्रिंसेस बनने वाली है। थी कहती है कि वहाँ प्रेमिता भी आने वाली है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। अमिता के बारे में सुनकर प्रेम स्माइल कर रहा होता है। मिता काव्या के स्कूल इवेंट में आ दिया, यहाँ प्रेम को देखकर तो शौक ही हो जाती है। प्रेम तो उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है। मिता कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रेम कहता है मैं तो अपनी फ्रेंड प्रिंस से मिलने आया था। मिता कहती है तुम उसे कैसे जानते हो? प्रेम मिता को अपने साथ लेकर आता है, उसे अपने साथ ही बिठाया देता है, बस यहाँ देख कर एंजॉय करो। मिता तो उसकी इन हरकतों से परेशान हो जाती है। इवेंट खत्म होते ही मिता यहाँ से जाने लगती है। यहाँ पर काव्या आ जाती है, मिता से फ्लावर्स दे दिए, प्रेम भी काव्या का गिफ्ट दे। फिर इधर तो मिता मौका देकर भाग रही होती है, प्रेम भी उसके पीछे आ जाता है और तभी यहाँ पे प्रिन भी आ जाता है। प्रेम को कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिता कहती है तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? प्रिन को कहती है तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? गुस्से में यहाँ से चली जाती है। प्रेम भी मिता के पीछे जाता है, प्रिन भी मिता की तरफ जाने लगता है। यहाँ काव्या आ जाती है, उसे रुकना पड़ता है। इधर प्रेम मिता को कहता है प्रिन मेरा फ्रेंड है, इससे तुम इतना क्यों भड़क रही हो? तुम्हें शर्मिंदगी तो नहीं हो रही है कि मैं प्रिन को बता दूंगा तुम कैसी लड़की हो, ऐसे लोगों का इस्तेमाल करती हो? इसे सुनकर मिता का गुस्सा तो आता, वो अवॉइड करते हुए चली जाती है। इधर प्रिन प्रेम को कहता है तुम चीजों को कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो? मिता को परेशान करना बंद कर दो, पहले मुझे लगता था कि तुम सही कह रहे हो, जब से मैं मिता से मिला हूँ लगता है कि तुम उसके साथ गलत कर रहे हो। प्रेम कहता कल तक मैं तुम्हें सही लग रहा था, तुम्हें मिता सही लग रही है, भूलो मत तुम मेरे फ्रेंड हो। इधर मिता सारी बातें टीना को बता दी है, तभी उसे प्रिन का कॉल आ जाता है। इधर मिता निकल रेन के साथ होती है, तभी यहाँ प्रिन भी काव्या के साथ आ जाता है, बच्चे तो चले जाते हैं। प्रिन मिता को कहता है मुझे तुमसे बात करनी है, मिता यहाँ से जाने लगती है। प्रिन मिता का हाथ पकड़ लेता है, कहता है प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। और अब प्रिन मिता को बताया था अले मैं प्रेम का फ्रेंड हूँ और मैं नहीं जानता था कि वो लड़की तुम ही हो। मिता कहते है कि प्रेम ने जितने उसे तकलीफ पहुंचाई है वो प्रेम को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। यहाँ वो प्रिन को कहती अगर प्रेम तुम्हारा फ्रेंड है अच्छा होगा कि हम दूर रहे। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी मिता को सामने प्रेम दिख जाता है, दोनों दूसरी तरफ आ जाते हैं। मिता कहते हैं मुझे यहाँ से जाना है, प्रेम को यहाँ क्यों बुलाया? प्रिन कहता है मैं भी नहीं जानता वो यहाँ क्यों आया है। तब प्रेम मिता को देखता उससे बात करने के लिए आता है, यहाँ प्रिन उसे रोक लेता, तब तक मिता बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाती है। मिता को लेकर इन दोनों के बीच फिर से आर्गुमेंट हो जाता है, यहाँ तक कि प्रिन तो प्रेम से अपनी दोस्ती भी तोड़ देता है। इधर निप दिखता मिता तो उसे भाव ही नहीं दे रही, वो दिखता है कि मिता प्रिन के साथ है। इधर थिप और टीना बात कर रहे होते हैं, साथ में देखकर तो लिली हैरान होती है, यहाँ टीना को शनाना शुरू कर दी दी है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ क्या कर रही हो, उसे मुझसे चुराना चाहती हो? और यहाँ तो टीना जानबूझकर लिली को परेशान कर दिखाती है कि वो थिप के बहुत ही क्लोज है। ये देखकर तो लिली को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, इन दोनों के झगड़े से तो थिप ही परेशान हो जाता है। लिली टीना को कहती है मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो। टीना कहती है तुम्हें उसकी इतनी फिक्र है, उस पर अपना स्टाम्प लगा दो ताकि कोई इसके करीब ना जाए। यहाँ प्रिन मिता को कहता है उसका प्रेम से कोई रिश्ता नहीं है। ये सुनकर तो मिता हैरान होती है, उसकी वजह से प्रिन प्रेम से अपनी दोस्ती तोड़ रहा है। अब मिता का भी एहसास होता है प्रिन के दिल में उसके लिए फीलिंग्स है। इधर मिता अपने डैड के साथ काम कर रही होती है, डैड मिता को कहता है वो निप के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे। फिर मिता कहती है मैं उसे अपना फ्रेंड मानती हूँ, साथ ही अपने डैड को कहती है आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। डैड कहते हैं तो क्या कोई है जिसे तुम पसंद करती हो? मिता कहती है आपको जल्द ही पता चल जाएगा। और ये सब सुनकर पूरी तरह से बौखला जाता है। मिता को कहती तो तुमने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। मिता कहती तुम्हारे जैसे धोखेबाज इंसान को कभी अपने करीब नहीं आने दूंगी और आइंदा से अपने लिमिट क्रॉस मत कर। पर यहाँ निप भी मिता को प्रेम का नाम लेकर ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है।
निप मेहता को कहता, अगर तुमने मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश की मैं भी तुम्हारे डैड को सारा सच बता दूंगा तुम्हारे और प्रेम के बीच क्या चल रहा है। इससे तो मेहता घबरा जाती है, बहुत ही परेशान होती है कि अब वो क्या करे। अचानक से यहाँ मेहता का कार एक्सीडेंट हो जाता है, उसे हल्की सी चोट भी आती है। इधर टीना बाहर आती है तो उसकी मुलाकात प्रेम से हो जाती है, तो शकल से उसे पहचान लेती है। प्रेम कहता है तुम्हारी शकल को जाने पहचाने लग रही है। यहाँ टीना कहती है दूर रहना मेरी फ्रेंड से, फिर तुमने दोबारा मिता को परेशान करने की कोशिश की मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। टीना का ये गुस्सा देख कर प्रेम को भी याद आ जाता है कि मिता की फ्रेंड है। इधर थे लिली को शांत करने की कोशिश कर रही था, लिली उसकी कोई बात सुन ही नहीं रही होती। तभी यहाँ मिसेस खुन आ जाती, कहती है ये मेरा ऑफिस है, डेटिंग प्लेस नहीं। इधर देखते हैं प्रिंट मिता के साथ हॉस्पिटल आया होता है। देखो कहता है तुम्हें यार पे केयरफुल रहना चाहिए। यहाँ टीना भी आ जाती, कहती है क्या हुआ तुम्हें। प्रिंट कहता है मिता बिल्कुल ठीक है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्ट होने वाले हैं।